आज हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे. चैप्टर टू है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स की बेसिक कंपोजिशन क्या है और उन मॉलिक्यूल से मजीद कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं. सबसे पहले आज का वर्क को बना लेते हैं कि आज के लेक्चर में बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री और हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को देखेंगे. वन बाय वन लेके चलते हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पे. जब हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि बायो की डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री भी है और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कि बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं स्टडी ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो वो हम कहते हैं कि वो है बायोकेमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बेसिकली हमने क्या बात की, एक हमने कहा स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स एंड स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस. तो ये दो चीजें मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री को हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज जब भी हम एनाटॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं या फिर हम फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं. एनाटॉमी में हमने कहा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस कहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस पाए जाते हैं. जब हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास केमिकल्स का या फिर कंपोजिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. जब तक हमें कंपोजिशन का नहीं पता होगा हम किसी भी चीज के प्रोसेसेस को, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते. तो यही वजह है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कॉन्ट्रेक्शन है, ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस को जब भी हम पढ़ते हैं हम उनको बायोकेमिकल टर्म्स में पढ़ते हैं. बायोकेमिकल टर्म्स यानी कि हम देखते हैं कि उनके केमिकल कंपोजिशन क्या है. जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, या फिर जब रेस्पिरेशन हो रही है, या फिर कोई और प्रोसेस, जैसे कि हम कहते हैं अगर हमारे पास डाइजेशन हो रही है, तो ये तमाम के तमाम केमिकल प्रोसेसेस हैं और इन तमाम के अंदर कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व है. जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, या फिर वाटर इन्वॉल्व है, या फिर हम कहते हैं ऑक्सीजन है या ग्लूकोज है. तो डिफरेंट तरह के केमिकल्स हर तरह के लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं और उन केमिकल्स का पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, या फिर हम कहते हैं बायोकेमिकल्स जितने भी हैं, वो दो तरह के हैं. एक हमारे पास है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. ऑर्गेनिक हम कहते हैं वो तमाम केमिकल्स या वो तमाम बायोकेमिकल्स जिनका लिविंग सोर्स हो, या फिर हम कहते हैं वो तमाम बायोकेमिकल्स या वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो. ऑर्गेनिक एग्जाम्पल दें, जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, या फिर लिपिड्स वगैरह. तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. इसी तरह कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका सोर्स लिविंग नहीं होता, या फिर जिनके अंदर
कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, उससे हमारे पास वाटर आ जाते हैं या फिर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह डिफरेंट तरह के एसिड हैं या बेसिस या अल्कली जिसे हम कहते हैं वो, या फिर डिफरेंट तरह के जो सॉल्ट आ जाते हैं, ये तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर जो कंपोजिशन है डिफरेंट मटेरियल्स की वो कुछ इस तरह से है कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो हमारे पास होती है वाटर की, उसके बाद प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट्स और फिर लिपिड्स और फिर डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड जैसे कि हमारे पास डीएनए या आरएनए आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये आ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कुछ इनऑर्गेनिक आयंस भी हमारे बॉडी का हिस्सा है। तो इस तरह से जो हम ऊपर जाते जाते हैं जो कंपोजिशन है या परसेंटेज है वो इनकी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की परसेंटेज अगर हम मैमल्स के अंदर देखें तो वो 70% है। इसी तरह अगर प्रोटीन्स की परसेंटेज देखें हम मैमल सेल के अंदर तो हम कहते हैं वो है 18% मैमल के अंदर। फिर उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 4% होते हैं हमारे बॉडी में, जो लिपिड्स हैं वो हमारे बॉडी में 3% होते हैं, डीएनए आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड जितने भी तरह के हमारे पास हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तकरीबन हमारे 1.35%। और इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं तकरीबन 2% हमारे बॉडी का ये बनाते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस जिसके अंदर हम कहते हैं सोडियम आयन या पोटेशियम आयन या फिर कैल्शियम आयन, इस तरह के जितने भी आयंस हैं ये हमारे बॉडी का तकरीबन 1% बनाते हैं। तो एक ये टेबल से हमें ये पता चल गया कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स की या डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल्स की क्या परसेंटेजेस हैं, और इससे हमें एक बात ये पता चली कि जो वाटर है वो सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है। जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म कॉन्टीन्यूसली अपने एनवायरमेंट से कोई ना कोई केमिकल ले रहे होते हैं और उन केमिकल्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एनवायरमेंट में से। ये हमारे पास सपोज एनवायरमेंट है, ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट में से कोई ना कोई केमिकल्स या कोई ना कोई सब्सटेंसेस ले रहे होते हैं और फिर ऑर्गेनिजम्स उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अदर केमिकल्स। तो ये हमारे पास इस तरह से हम कहते हैं कि केमिकल कन्वर्जन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। अब जितने भी केमिकल्स हैं इनके जो कन्वर्जन है या जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हम उनको कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को भी हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज कह लें या फिर केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर एक वक्त में हो रहे हैं वो सब के सब मेटाबॉलिज्म में आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की मजीद आगे से हम कहते हैं कि दो टाइप्स हैं, अगर हम यूं लिखें मेटाबॉलिज्म तो इसकी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरी टाइप को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म को ही कहते हैं हम कि अगर कोई भी केमिकल सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाए या फिर डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें और उससे हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स बने तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है वो है एनाबॉलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर हम कहें प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब के बनना, तो जब प्रोटीन बन रहे होते हैं तो जितने भी
छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं वो कंबाइन करते हैं पेप्टाइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और फिर हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो बनने का प्रोसेस है लार्ज मॉलिक्यूल्स बनने का प्रोसेस उसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं मसल ग्रोथ की। मसल ग्रोथ भी क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव किस्म का रिएक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की सेल्स हैं डिफरेंट तरह के केमिकल्स कंबाइन कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये भी एनाबोलिक रिएक्शन है। इसके साथ ही जब हम कैटाबॉलिज्म की तरफ आ जाते हैं तो कैटाबॉलिज्म हम कहते हैं कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो टूटती हैं और सिंपल सब्सटेंसेस बन जाते हैं तो उन तमाम रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये कैटाबॉलिज्म है। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं? हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं और क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल टूट गया है ब्रेक डाउन हो चुका है उसका इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। उसी तरह हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास डाइजेशन की। डाइजेशन का जो प्रोसेस है के अंदर जिसे हम कहते हैं खाना हजम हो रहा है तो बेसिकली उसमें होता क्या, उसमें ये होता है कि जितने भी कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हमने खाए हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं या फिर मजीद कुछ और कंपोनेंट्स वो तमाम के तमाम टूटते हैं और छोटे छोटे जरात बन छोटे छोटे जर्रे बन जाते हैं और वो जो जर्रे हैं वो मजीद और टूटते जाते हैं जब तक हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट ना हो जाएं या फिर हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज है वो छोटे छोटे मजीद स्टार्च के पार्टिकल्स में या स्टार्च मॉलिक्यूल्स में चेंज ना हो जाए। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है हम कहते हैं ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ये तो कुछ तरह के केमिकल रिएक्शन थे जिनको हमने देखा और हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है। बायोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल्स को पढ़ते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं बेसिक केमिकल्स उनके अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स फिर न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आरएनए आ जाता है एंजाइम्स हैं डिफरेंट हार्मोन्स हैं मेटाबोलाइट्स हैं फिर ऑर्गेनिक आयंस हैं इनऑर्गेनिक आयंस हैं सॉरी जिसमें सोडियम है पोटेशियम है कैल्शियम है इस तरह डिफरेंट और भी आयंस आ जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारे बॉडी को बनाती हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। जैसे कि अभी पीछे में हमने डिस्कस किया कार्बन जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं कि ये बेसिक कंपोनेंट है तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कार्बन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कार्बन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी फोर है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फर्स्ट शेल में इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 1, 2, 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में दो और दूसरे शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कार्बन जो है वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए टोटल फोर बॉन्ड्स बनाता है और इसी तरह वो स्टेबल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी यानी कि कार्बन टोटल ओवरऑल फोर बॉन्ड्स बनाता है। और अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग जो है वो कार्बन के अंदर मोस्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग से होती है बिकॉज कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है
दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये डिफरेंट तरह की पाई जा सकती है, जैसे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के अंदर ये तीनों तरह की बॉन्ड पाई जाती हैं, और यही वजह है कि कार्बन जब कंबाइन करता है तो वो बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के अंदर ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन की के कार्बन कैटिनेशन इसे हम कहते हैं, और ये कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन लॉन्ग चेन्स बनाता है अपने साथ और मजीद डिफरेंट और तरह के एलिमेंट्स के साथ। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, यानी कि अगर एक कार्बन मॉलिक्यूल है वो मजीद डिफरेंट ढेर सारे कार्बन के साथ कंबाइन करेगा और बॉन्ड्स बना लेगा, और ये लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं। यही वजह है कि नेचर के अंदर कार्बन के हजारों लाखों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कार्बन की चेन्स है बेसिकली, इसको हम तीन तरह की चेन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये स्टेबल अनब्रांच्ड चेन है, दूसरे को हम कहते हैं कि ये ब्रांच्ड चेन है, और यहाँ पे हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर आता है कार्बन की चेन्स में। अनब्रांच्ड चेन की जब हम एग्जांपल देखें तो अनब्रांच्ड चेन में हम देखते हैं कि कार्बन की लॉन्ग लॉन्ग चेन्स होती हैं जिनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, यानी कि हम इनको लीनियर चेन्स भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सिक्स कार्बन का एक स्ट्रक्चर है जिसके साथ डिफरेंट हाइड्रोजन एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, इसके हर तरफ से हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। और इस तरह से ये एक इसका अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसके अंदर कार्बन की जो तादाद है, जैसे अभी यहां पे मेरे पास सिक्स कार्बन कंपाउंड है, इसी तरह ये जो कार्बन की तादाद है ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, सिक्स से ज्यादा भी हो सकती है, यानी ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसके अलावा ये थाउजेंड में भी जा सकती है। तो इस तरह से कार्बन की लंबी लंबी चेन से हमारे पास डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स बनते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रांच चेन्स के ऊपर। कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने ही साथ डिफरेंट तरह की ब्रांचेस बना लेते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसने चार बॉन्ड्स बनानी है। तो चार बॉन्ड्स ये इस तरह से बनाता है कि अपने साथ ही, लेट सपोज हमारे पास एक कार्बन है जो कि बाकी चार और कार्बन के साथ अटैच है, और इसके साथ इन सबके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो इस तरह से ये हमारे पास फाइव कार्बन कंपाउंड बनना है जो कि एक ब्रांच चेन है। इसके बाद जब हम कहते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर भी कार्बन बना सकता है, तो रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ इसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड्स या हम कह सकते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन जो है वो अपनी फोर बॉन्ड्स डिफरेंट तरह से बनाता है। यहाँ पे इसकी लीनियर बॉन्डिंग थी, लीनियर चेनिंग थी, उसके बाद हमने ब्रांच चेनिंग देखी, यानी कार्बन ने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई हुई है, और उसके बाद हमने एक रिंग स्ट्रक्चर देखा। कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। इस तरह से है कि दरमियान में हमारे पास एक कार्बन है, और ये कार्बन मजीद चार और कार्बन, या फिर हम ये कह सकते हैं के चार और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, और इन सब के साथ इस सब की जगह हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स भी हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमारे पास किसी भी साइड पे कोई और एटम, जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है जो यहाँ पे अटैच हो, और इस तरह से हमारे पास एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड बनता है। ये जो दो एंगल्स हैं
टेट्रावेलेंट कंपाउंड के अंदर ये हम कहते हैं ये 109.5 डिग्री का एंगल डिफरेंस है। इसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ का एंगल डिफरेंस हम देखें तो वो भी एग्जैक्टली 109.5 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है। अब जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को पढ़े हैं तो हमें इसमें यह देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बन किस तरह से प्रेजेंट होता है और वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के साथ बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ या फिर हम कहते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस या फिर सल्फर के साथ, और इन सब के साथ कंबाइन करने से डिफरेंट तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस बनते हैं और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट लार्ज वैरायटी आ जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है CH बॉन्डिंग, इससे हमारे पास डिफरेंट तरह के लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स और लंबे लंबे कार्बन की चेन्स बनती हैं और ये हमारे पास जो CH बॉन्डिंग है बेसिकली इससे हमारे पास एनर्जी आती है। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। इसी तरह जब हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारे पास ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कहते हैं हम इसको, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज आ जाती है और ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्पफुल होता है। यानी कि जब भी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं तो हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो कार्बन जब भी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम हाइड्रोजन का कहते हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जब कार्बन कंबाइन करता है तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं और यही अमाइनो एसिड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि CH बॉन्डिंग से हमारे पास एनर्जी आती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने से, इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उससे हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कार्बन सल्फर के साथ कंबाइन करता है तो हम इसको कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज बनती है और इसी तरह मजीद और जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे फास्फोरस है या कुछ और एलिमेंट जिनके साथ कार्बन कंबाइन करता है और कुछ मजीद मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमने देखा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट तरह की चीजें जैसे कि प्रोटीन्स थी या जैसे हमने पढ़े के कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस तरह से बनते हैं। जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं या फिर हम कहते हैं इन पर्टिकुलर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हम कहते हैं सेल्यूलोज हो गए, सेल्यूलोज जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनके अंदर सेल्यूलोज आ जाते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम इनसोल्युबल हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते, इनसोल्युबल इन वाटर, और यही वजह है कि ये सेल के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यानी कि अगर ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए फिर तो ये सेल के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, इसीलिए ये तमाम चीजें जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं ये वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होती। लेकिन हम डिफरेंट और तरह की चीजें देख लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज हो गया या फिर हमारे पास डिफरेंट तरह के आयंस होते हैं, ये तमाम के तमाम वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं। यही वजह है कि ग्लूकोज से या डिफरेंट जो आयंस हैं इनसे हमारा कोई भी सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं बनता है। यानी कि एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं या सेल की जो कंपोजिशन है वो इन चीजों से नहीं होती। तो अगर सेल की कंपोजिशन नहीं होती फिर ये कहाँ यूज होते हैं, ये जनाब यूज होते हैं हमारे हमें एनर्जी देने के लिए। हमने अपने बचपन में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि एनर्जी का जो हमारे पास सोर्स है उसे हम कहते हैं ATP, एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। ये एक कंपाउंड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास मजीद कुछ चीजें हैं जिसमें हम कहते हैं कि ग्लूकोज हैं, या हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, या फिर फैट्स जब हमारे पास टूट जाते हैं तो उसके फैटी एसिड्स बनते हैं। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये सबके सब क्या करते हैं, ये सबके सब हमें एनर्जी देते हैं, या फिर ये ज्वाइन करते हैं और बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो सब लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, और फिर इनसे हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। इसी तरह जो फैटी एसिड्स हैं इनसे हमारे पास फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, लिपिड्स बनते हैं इनसे। तो ये तो था हमारा आज का जो टॉपिक। सबसे पहले हम इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि आज हमने ओवरऑल पढ़ा क्या है। सबसे पहले तो हमने बायोकेमिस्ट्री का देखा था कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या था, यह था स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो जो जो भी केमिकल्स हैं उनको हमने देख लिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने ह्यूमन बींग्स की बात की थी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है वो उनकी क्या क्या परसेंटेज है, केमिकल कंपाउंड यानी कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स एंजाइम्स वगैरह, इनऑर्गेनिक आयंस हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, इनकी कंपोजिशन हमने देखी, हमारे बॉडी के अंदर कितनी परसेंटेज पाई जाती है। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया। मेटाबॉलिज्म हमने कहा कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ऑल द केमिकल एक्टिविटीज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म में फिर हमने कहा कि इसके आगे से दो टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इसको हमने डिटेल में देखा। उसके बाद फिर हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस देखी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब कार्बन से मिलके बने हैं। तो कार्बन में ऐसा क्या है जो इतने ज्यादा कंपाउंड उससे मिलके बन जाते हैं, उसके लिए फिर हमने कार्बन के स्ट्रक्चर को देखा। फिर हमने कार्बन की बॉन्डिंग देखी किस तरह से होती है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन, इसको हमने डिस्कस किया। इसकी डिफरेंट तरह की जो चेन्स बनती हैं हमने उनको देखा। उसके बाद फिर हमने कार्बन के स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने देखा कि कार्बन किन किन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और डिफरेंट तरह के हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसी तरह और जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने डाइसल्फाइड ब्रिज की बात की, इसी तरह कार्बन की लंबी लंबी चेन्स की वजह से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जितने भी केमिकल्स हमने पढ़े हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे।